A very good morning to all our Gringsolians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 2nd, Vishay Hindi, Part 15, Subhash Ki Veerta. गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं रानी कुरेशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, हम हिंदी में पार्ट 14 तक अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। अब हम हिंदी में पार्ट 15 सुभाष की वीरता से अपना आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए, जल्दी से आप अपनी हिंदी की किताब निकालिए, फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको निकालना है पेज नंबर 144। सर्दियों के दिन थे, गुरुजी पाठशाला के सभी बच्चों को पिकनिक पर ले गए। गुरुजी का मतलब होता है अध्यापक और पाठशाला का मतलब होता है पढ़ने का स्थान। मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कुछ खाना खा रहे थे। गुरुजी बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे और बारीकी से उनका निरीक्षण कर रहे थे, मतलब उन्हें बारीकी से देख रहे थे। तभी दो अंग्रेज लड़के वहां आ गए। उनमें से एक अंग्रेज लड़के ने राहुल का खाने का डिब्बा छीन लिया था और डिब्बा खोलकर देखा, उसमें रोटी और सब्जी थी। फिर अंग्रेज लड़के ने खाने के डिब्बे को दूर फेंक दिया और बोला, छी छी, तुम काले लोग क्या खाते हो? ये कहकर वे अपने साथी से बोला, क्यों टॉम, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हय्यू, बिल्कुल सही कहा। उसका नाम हय्यू था। फिर दोनों लड़के हंसने लगे। तभी इकबाल बोला, तुम जाओ यहां से। हाँ हाँ, अब जाओ यहां से, सुभाष ने भी कहा। हय्यू ने इकबाल को टांग मार कर गिराते हुए कहा, हट काले डरपोक हिंदुस्तानी। डरपोक का मतलब होता है जो डरता हो। ये किसने कहा? ये अंग्रेज लड़के ने इकबाल को गिराते हुए कहा। अब तो सुभाष को बहुत गुस्सा आया। उसने हय्यू को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पटकने का मतलब होता है जमीन पर गिरा दिया। हय्यू चीखने लगा, छोड़ो छोड़ो। ये देखकर टॉम भाग गया। टॉम कौन था? टॉम हय्यू का दोस्त था। सुभाष ने हय्यू को जमीन पर फिर से पटका और बोला, मतलब फिर से गिरा दिया और बोला, अब बता कौन है डरपोक। ये देखकर हय्यू उठकर तेजी से भाग गया। सुभाष और उसके साथी हंसने लगे। सुभाष बचपन से ही बहुत ज्यादा बहादुर थे। वे एक महान देशभक्त थे। देश आजाद कराने के लिए बड़े होकर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी। वे दूसरे शक्तिशाली देशों के सहयोग से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। स्वतंत्र का मतलब होता है दूसरे देशों के सहयोग से वे भारत को आजाद कराना चाहते थे। हालांकि उनके इस मत से गांधी जी, महात्मा गांधी जी एवं अन्य देशवासी सहमत नहीं थे। अंग्रेजों ने भयभीत होकर इन्हें नजरबंद कर दिया था। भयभीत का मतलब होता है डर कर। वे जर्मनी चले गए और वहां से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने देश भारत को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ी। बताया जाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन विमान दुर्घटना में वे शहीद हो गए। विमान का मतलब होता है हवाई जहाज दुर्घटना में वे शहीद हो गए। भारत की स्वतंत्रता में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारतवर्ष उन्हें सदैव स्मरण करता है। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी बराबरी ना की जा सके, और सदैव स्मरण का मतलब होता है हमेशा याद किया जाता है। अब स्टूडेंट, आप मुझे ये बताइए, इस पाठ से आपने क्या सीखा? यस, हमने सीखा भारत को अनेक बहादुर देशभक्तों ने स्वतंत्र कराया था, जिनमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। वे बड़े बहादुर और निडर थे। उन्होंने अपनी एक अलग सेना बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। इसलिए अंग्रेज भी सुभाष चंद्र बोस से डरते थे। सुभाष चंद्र एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की। उसी तरह हमें भी एक सच्चा देशभक्त बनना चाहिए और हमें कभी भी किसी के अत्याचार को भी सहन नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट,
मैं समझती हूँ कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। माय डियर स्टूडेंट्स, योर टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर होमवर्क। प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ का अध्ययन करें व कठिन शब्द और शब्दार्थ पूर्ण करें। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।